Hey guys, welcome back to the channel. This is Himanshu and I'm a travel vlogger. और आज हम लोग चोपता में हैं और आज हमारा दूसरा दिन है. टेक्निकली तीसरा दिन है बिकॉज पहले दिन हम आए थे तो पूरा दिन लेट पहुँचे थे और वेस्ट हो गया था. और कल हमने यहाँ से तुंगनाथ तक का ट्रैक किया था, तुंगनाथ से चंद्रशिला का ट्रैक किया था. और अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखी नहीं है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा, आप जाके देख सकते हैं. सो गाइस, यह है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट शिवा टेम्पल, तुंगनाथ टेम्पल. मिठानी जी मेरे साथ हैं, यहाँ पे पुजारी हैं, तो ये बताएंगे यहाँ पर कैसे मंदिर की स्थापना हुई और कैसे मंदिर बना. सो गाइस, दिस इज चंद्रशिला पीक. यहाँ पे पीक में एक टेम्पल है. और आज हम लोगों का प्लान ये है कि आज हम देवरिया तल जाने वाले हैं, यहाँ से ट्रैक करेंगे. तो अभी सुबह हो गई है, सारे लोग उठ गए हैं, अभी हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए. सो गाइस, आज बना है पूरी और सब्जी, देखते हैं कैसा है टेस्ट. कैसा लगा यहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह? रिजॉर्ट अच्छा है यार, मतलब जो एक्सपेक्ट किया था तो काफी अच्छा है. टेंट में बेड्स है, अटैच वॉशरूम है. सबसे अधिकतर कैंप्स में आगे वॉशरूम की होती है, लाइन वाइन लगती है. बट अगर आप स्विस कैंप लेते हो, स्विस कैंप जाने भी ऐसी होगा. मेरा फर्स्ट टाइम है नॉर्थ में. अच्छा, इससे पहले ट्रैकिंग वगैरह सारी साउथ और वेस्ट में की. नाइस. वैसे अगर आप लोग चोपता आते हो तो आई थिंक दो दिन यहाँ पे फेयर इनफ है. बिकॉज अगर लेकिन अगर टाइम से निकलना पड़ेगा डेली से, बिकॉज आप यहाँ अर्ली मॉर्निंग पहुँचते हो तो एक दिन में ट्रैक होके आप दूसरे दिन करके निकल सकते हो. अगर फैमिली साथ में है तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके चले, बिकॉज यहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी बारिश हो जाती है, कभी कुछ भी जाती है, तो एक दिन रुकना पड़ सकता है. हालांकि हम लोगों ने भी एक दिन पूरा वेस्ट किया. उस टाइम पे हम लोग डेली से निकलने में लेट हो गए ना, अगर आ जाते तो 12 बजे तक पहुँच जाते. फिर भी क्या करते हैं आप, मतलब अगर जैसे आप सोलो आ रहे हो ना, उस केस में आप सुबह पहुँचो यहाँ और पहले दिन इजी वाला ट्रैक चल रहे हो देवरिया ताल वाला, वो ज़्यादा लंबा भी नहीं, 2 किलोमीटर का है. किसी और ग्रुप के आइटनरी में भी ऐसा ही था कि पहले दिन वो देवरिया ताल कराए थे टाइम से पहुँच के, और वापसी में शायद ऋषिकेश या आई गेस रास्ते में देव प्रयाग आते हैं, वहाँ पे वो लोग पा रहे थे. वो और भी अच्छा है, वेरिएशन. सो गाइस, हम लोग एक घंटे की ड्राइव करके आ गए हैं सारी गांव. सारी विलेज से अराउंड 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है, सारी गांव से अराउंड 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है देवरिया ताल के लिए. और यहां से रास्ते यहाँ पे दुकानें भी बहुत सारी, आप स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं. चले ट्रैक के लिए. स्टार्टिंग में सीमेंटेड रोड है और थोड़ी सी चढ़ाई है, स्टेप्स भी बने हुए हैं. आई होप कि रास्ता ऊपर तक ऐसे ही हो तो आसानी से हो जाएगा. वैसे ज़्यादा नहीं है, 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है. सो गाइस, एज यू कैन सी जस्ट बिहाइंड मी, ये सारी विलेज है. यहाँ से अराउंड 2 घंटे में लगने वाले हैं, 2-2.5 घंटे पहुँचने में. और क्योंकि क्लाउड्स भी हैं तो आई होप कि धूप ज़्यादा ना आए तो आसानी से कर पाएंगे. अगर धूप ज़्यादा आई तो 1/2 घंटा एक्स्ट्रा लग सकता है. बोलती है कैसा है ट्रैक? ट्रैक बढ़िया है, इजी है ना? बेटर देन तुंगनाथ. तुंगनाथ से बेटर है. बेसिक ट्रैक है, ऐसा कुछ मॉडरेट ट्रैक नहीं है, बहुत ही इजी है, प्रॉपर रास्ता बना हुआ है. हाँ, और थोड़ा सा एक ही है कि स्टीप है एकदम, तो सांस बहुत जल्दी फूल जा रही है. ग्यारह बजे हमने लोगों ने नीचे से ट्रैक स्टार्ट किया था. अभी अराउंड 11:40 होने वाले हैं. ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो गया है या आधे से ज़्यादा कंप्लीट हो गया है, एग्जैक्टली नहीं पता, बट ऐसा फील आ रहा है कि आने वाला है. सबसे आगे लीड कर रहे हैं कंपटीशन में. जयपुर वालों, कैसा मज़ा आ रहा है? कूल, बहुत मज़ा आ रहा है यार, सीरियसली माउंटेन्स पर.
कल के कंपैरिजन में कैसी है ट्रैकिंग आज? कल के कंपैरिजन में थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है, बट ट्रैक छोटा है तो रियल एंजॉय है। चलो बढ़िया फिर तो। चलो लाइफ में दो तीन दिन ऐसा होना चाहिए ना। हाँ, चिल आउट कर रहे हैं। यस, बढ़िया। हाँ, वादियों में ही रहे हैं सिर्फ। हाँ, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। हाँ, गाइस चलते चलते हम फाइनली पहुंच गए हैं देवरिया ताल, और जस्ट मेरे सामने है देवरिया ताल। द मेन थिंग इज कि यहाँ पे क्राउड नहीं है, काफी शांति है, आराम से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हैं। और हालांकि लेक थोड़ी सी गंदी है, छोटी छोटी मछलियाँ कितनी मस्त लग रही हैं। सो गाइस अभी मैं लेक के चारों ओर घूम रहा हूँ और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, मस्त एकदम अमेजिंग फीलिंग है। वेदर भी काफ़ी अच्छा है एक्चुअली, इसलिए और ज़्यादा मज़ा आ रहा है। सो गाइस इस लेक के चारों ओर एक कच्चा रास्ता है जिससे आप लेक का हर एक तरह से व्यू ले सकते हैं और हर एक एंगल से फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं रास्ता काफ़ी ईजी है। लेक का दूसरी साइड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आके रेस्ट करते हैं, एंजॉय करते हैं, गेम्स वगैरह खेलते हैं, ग्रुप एक्टिविटी वगैरह करते हैं जो ग्रुप्स आते हैं। और यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, एज यू कैन सी। वाओ, बिल्कुल रिफ्लेक्शन आ रहा है पूरे क्लाउड्स का। सो गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि लेक को जितने एंगल से आप देखते हो, हर एक एंगल पर आपको अलग व्यू पॉइंट मिलता है और एक अलग लेक की ब्यूटीफुल सीनरी देखने को मिलती है, आप फोटोग्राफी कर सकते हो। तो इसीलिए अभी हम दूसरे व्यू पॉइंट पर जा रहे हैं और देखते हैं वहाँ से कैसी दिखती है लेक। सो गाइस रास्ते से आते हुए एक आपको ऊपर स्पॉट सा दिखेगा छोटा सा, यहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू है, प्रॉपर चेयर्स वगैरह भी लगी हुई है, वी कैन से इट्स अ ऑफिशियल व्यू पॉइंट। सो गाइस इस लेक के जस्ट पास में एक मैगी पॉइंट है और वहाँ पे हम लोगों ने मैगी वैगी खा ली है, आप लोग भी यहाँ पे मैगी खा सकते हो। और हम लोग जा रहे हैं वापस अपने ट्रैवलर में और आज ही हम निकलेंगे यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली के लिए। और इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर इस ट्रैक से रिलेटेड, इस ट्रिप से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरीज हैं या फिर इस वीडियो के लिए कोई सजेशन है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून। सो गाइस चलते चलते हम फाइनली पहुँच गए हैं, कौन सी लेक थी यार ये, क्या नाम था इस लेक का? चलो ठीक है, बिंदास लड़की।